बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जमान अशरफ। आई वेलकम यू ऑल इन हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक इज बेंजोफ्यूरान। आई विल डिस्कस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजोफ्यूरान। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर एंड प्रेपरेशन ऑफ बेंजोफ्यूरान। टुडे आई विल डिस्कस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and some addition reaction which are possible at benzofuran. So let's start with the chemical reactivity of benzofuran. Benzofuran, it is a fused ring heterocycle in which five member furan, it is fused with benzene ring. So first is इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो बींग एरोमेटिक बिकॉज दिस इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन बेंजोफ्यूरान इट कैन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप जो है वो इसको कंपेयर करें इंडोल के साथ, तो इंडोल विच इज़ अ फ्यूज्ड रिंग हेटरोसाइकल, जहाँ ऑक्सीजन की बजाय यहाँ नाइट्रोजन होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी और बेंजोफ्यूरान की रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हेट्रो एटम, बिकॉज ऑक्सीजन इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सो बेंजोफ्यूरान फर्स्ट द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोफ्यूरान कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप इसकी नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड में करते हैं, देन द मेजर प्रोडक्ट इज, ये जो नाइट्रेशन होगी वो पोजिशन टू पे होगी। ठीक है, अगर आप जो है वो बात करें इंडोल की या बेंजोथायोफीन की, जिसमें नाइट्रोजन या सल्फर होंगे एज अ हेटरो एटम, देन केस इज़ द डिफरेंट, और वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ द फ्यूज्ड रिंग हेटरोसाइकल विच बेंजीन इज फ्यूज विद पाइरोल। द सेकंड इज फॉर्मिलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्माइल ग्रुप। दिस सी ओ ओ एच ग्रुप को अगर आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन दिस इज फॉर्मिलेशन। एंड अ वेल नोन नेम्ड रिएक्शन इज विल्समेयर हॉक, विल्समेयर हॉक फॉर्मिलेशन। We have benzofuran. It reacts with DMF. DMF is NN dimethyl formamide and POCl3. These two are the reagents which are used in Wilsmeyer-Hawk formulation. इनके जो है वो कम्बिनेशन से फॉर्माइल जो है वो ग्रुप जनरेट होगा, जो कि यहां अटैच होगा। सो दिस रिएक्शन विच इज कैटलाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट डीएमएफ, दिस इज डीएमएफ एंड एन डाइमिथाइल फार्मामाइड एंड पीओसीएल3, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोफ्यूरान टू कार्बेल्डिहाइड या टू फार्माइल बेंजोफ्यूरान। दिस इज विल्समेयर-हॉक फॉर्मुलेशन। आप देख रहे हैं यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो टू पोजिशन पे जो है वो रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप इसकी लिथिएशन करते हैं, देन अगेन वी हैव बेंजोफ्यूरान इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम, वी हैव टू लिथियो
बेंजोफ्यूरेन. सो इट मीन्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं इन दिस केस दे अटैक्स प्रेफरेबली एट पोजिशन टू. सो इट इज प्रपोज दैट के अगर जो है वो आपके पास बेंजोफ्यूरेन रिएक्ट करती है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो दो तरह के इंटरमीडिएट जो है वो बनेंगे. अगर तो ये अटैक होता है एट पोजिशन टू, तो ये कार्बोकेटाइन जो है वो जनरेट होगा या ये रीनियम आयन जो है वो जनरेट होगा इंटरमीडिएट. और अगर अटैक होता है एट पोजिशन थ्री, दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म. दिस इज टू अटैक, दिस इज अटैक एट थ्री. सो इट इज प्रपोज दैट ऑक्सीजन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बींग इलेक्ट्रोनेगेटिव इट डज नॉट फेवर दिस पॉजिटिव चार्ज विच इज एडजस्टेड टू दिस ऑक्सीजन. सो दैट्स वाई इट इज मोर फेवरेबल, इट इज मोर स्टेबल. दिस इज बिकॉज द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स दे प्रेफरेबली अटैक्स एट पोजिशन टू एंड वी हैव टू नाइट्रोबेंजोफ्यूरेन और टू फॉर्माइल बेंजोफ्यूरेन और टू लिथियो बेंजोफ्यूरेन एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरेन. द नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरेन. वी हैव बेंजोफ्यूरेन. अगर आप इसे जो है वो कंपेयर करें इन माई प्रीवियस लेक्चर वेर आई हैव डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ आर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ फ्यूरेन, अगर आपके पास फ्यूरेन है देन इट कैन एक्ट एज अ डाइईन. ये जो पार्ट है इसका इट इज डाइईन पार्ट. ठीक है, उस तरह का डाइईन पार्ट आपको यहाँ भी जो है वो नजर आ रहा है. ठीक है, सो बींग अ डाइईन दिस बेंजोफ्यूरेन इट कैन गिव 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस. 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं, वी हैव अ डाइईन एंड अ डाइनोफाइल, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लो अल्कीन, साइक्लोहेक्सीन इस केस में जो है वो बनेगी. तो दिस रिएक्शन, दिस इज नोन एज डील्स आल्डर रिएक्शन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. सो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूरेन, बट 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बेंजोफ्यूरेन. दिस इज बिकॉज कि आपके पास यहाँ जो पार्ट्स हैं वो है एक तो बेंजीन और दूसरा पार्ट आपका जो है वो फ्यूरेन है. सो दीज टू कार्बन्स दे आर शेयर्ड बिटवीन फ्यूरेन एंड बेंजीन. सो दिस बेंजीन इट्स बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस एनर्जी ये अलाउ नहीं करती इस मॉलिक्यूल को बेंजोफ्यूरेन को कि ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे. सो इट मीन्स 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन विच आर पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूरेन दे आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बेंजोफ्यूरेन, बट 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे आर पॉसिबल इन केस ऑफ बेंजोफ्यूरेन. मिसाल के तौर पे वी हैव बेंजोफ्यूरेन, ए वी हैव दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट कैन रिएक्ट विथ आपके पास दिस एसिटाइलिनिक एस्टर के साथ ये जो है वो रिएक्ट करेगा. देन वी हैव 2+2 साइक्लो एडिशन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ कार्बन कार्बन डबल जो है वो बॉन्ड बनेगा. ठीक है, सो हियर वी हैव वन हाइड्रोजन, यहाँ वन हाइड्रोजन और दिस इज एसिटाइलिनिक कार्बन 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 और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ इन्वॉल्व इन साइक्लो एडिशन और इसके साथ है कि CO2 Me. सो though this benzofuran we know that it never gives 4+2 cyclo addition reaction because of the resonance energy of this benzene, but this benzofuran it can give 2+2 cyclo addition reaction jisme ek pi electron pi bond jo hai wo is
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो है वो इन्वॉल्व होगा, और ये जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज़ पार्ट ऑफ दिस बेंजोफ्यूरेन इट रिएक्ट्स एंड गिव दिस साइक्लोब्यूटीन जो है वो ये बनेगी, दिस अडक्ट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देन इज ब्रोमिनेशन। सो बेंजोफ्यूरेन इट फर्स्ट रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड एड द ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जिस तरह जो है ब्रोमीन की एडिशन होती है उसी तरह यहाँ ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, ये एक एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो होगा एंड देन फिर ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2-ब्रोमो और 3-ब्रोमो में, 2-3-ब्रोमो एंड 2-ब्रोमो, ये दो आइसोमर जो है इसके जो है बन जाएंगे। दिस इज 3-ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन एंड इट इज 2-ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन बाय द रिमूवल ऑफ जो है HBr, अगर यहाँ से जो है वो रिमूव होगा तो फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन और ये Br रिमूव होता है तो 3-ब्रोमो बनेगा, और अगर ये हाइड्रोजन और ये Br जो है रिमूव होता है तो फिर 2-ब्रोमो जो है वो बनेगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरेन। एंड नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीजनेशन जो है वो आप कह सकते हैं इसे, वी हैव बेंजोफ्यूरेन ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करते हैं -78°C पे, टेम्परेचर बहुत जो है वो लो होगा। सपोज अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल ग्रुप्स यहाँ जो है वो अटैच्ड हैं, देन इट इज ऑक्सीजन CH3, इसकी ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजनेशन जो है वो दो ऑक्सीजन जो है वो मिल गए। बट जैसे ही इस लो टेम्परेचर से आप इस जो है वो इंटरमीडिएट को या इस जो है वो ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, देन देन आइसोमराइजेशन हो जाएगी। दिस साइक्लिक कंपाउंड इट इज कन्वर्टेड इन टू ओपन चेन कंपाउंड, और इसमें जो है वो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये जो है वो और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ बन जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। इट मीन एक तरफ आपके पास जो है वो एस्टर आ जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास कीटोन आ जाएगा। सो दिस इज आइसोमराइजेशन ऑफ दिस साइक्लिक ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड, जिसको आपने जो है वो एट -78°C पर जो है वो प्रिपेयर किया है वो रूम टेम्परेचर पे, जैसे उसे लेके आएंगे तो ये जो आपके पास 4-मेंबर्ड रिंग है ये डाइऑक्सीटेन की रिंग जो है वो टूट जाएगी और हमारे पास जो है वो ओपन चेन ये कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे। सो दिस इज नोन एज आइसोमराइजेशन ऑफ दिस साइक्लिक ऑक्साइड या डाइऑक्सीटेन। So this is all about the chemical reactivity of benzofuran, in which we have discussed the electrophilic substitution reaction of benzofuran and some addition reaction of benzofuran. In my upcoming lecture, I will discuss some more heterocyclic compounds. Thank you very much.